हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर फेवरेट सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। सब्जेक्ट कोड एज 2265 ऑफ 6 सेमेस्टर, यूनिट नंबर 5 हाइड्रोलिक सर्किट्स, टॉपिक नंबर 3 रीजनरेशन एंड काउंटर बैलेंस सर्किट, लेक्चर नंबर 26 प्रिपेयर्ड बाय मिसेस अमृता मुंडले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, NIT पॉलिटेक्निक। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैज फॉलोइंग विजन एंड मिशन। यू जस्ट रीड विजन एंड मिशन ऑफ आवर डिपार्टमेंट by pausing the video. Content of today's lecture as construct hydraulic circuit of regeneration and counterbalance circuit. Learning outcomes: after completion of this lecture, you are able to construct hydraulic circuit of regeneration and counterbalance circuit. Program outcomes will be mapped by this table as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा स्पीड कंट्रोल ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट्स ऑफ मीटर इन मीटर आउट एंड ब्लीड ऑफ सर्किट। तो इस सर्किट के अंदर आपको फ्लो कंट्रोल वॉल इनलेट साइड में जब यूज करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज ए मीटर इन सर्किट। फ्लो कंट्रोल वॉल मीटर यानी आउटलेट साइड में एक्चुएटर के बाद यूज करोगे बिफोर DCV, देन मीटर आउट सर्किट। और यही अगर इनलेट में आफ्टर द डायरेक्शन कंट्रोल वॉल एंड बिफोर एक्चुएटर, इसके बीच में अगर बाईपास से स्पीड फ्लो कंट्रोल वॉल का यूज करते हो तो उसको हम बोलते हैं ब्लीड ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिससे आप वेरियस स्पीड कंट्रोल हाइड्रोलिक सर्किट और उसके साथ साथ न्यूमेटिक सर्किट भी डिजाइन कर सकते हैं। रीजनरेशन हाइड्रोलिक सर्किट, तो क्या होता है रीजनरेशन? तो आइए देखते हैं। ए रीजनरेशन सर्किट कैन बी यूज टू कॉज ए सिलेंडर टू एक्सटेंड मोर रैपिडली देन इट कुड विथ पंप ऑयल फ्लो अलोन। जब पंप का ऑयल फ्लो आता है उसी के साथ साथ तो वो एक्चुएट तो करता है सिलेंडर, बट उसी के साथ ही अगर हायर स्पीड के साथ फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड एज ए रीजनरेटिव सर्किट। द रॉड एंड ऑफ सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द मेन प्रेशर लाइन, सो द ऑयल विच नॉर्मली वुड बी डिस्चार्ज टू ए टैंक विल जॉइन विद द पंप ऑयल इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द पिस्टन। तो पिस्टन एंड सिलेंडर के बीच में अगर हमें रीजनरेशन करना है इन हाइड्रोलिक सर्किट तो क्या करना है, जो लाइन रिटर्न लाइन से टैंक तक फ्लो करती है तो उसका फ्लो आपको फिर से पंप से कनेक्टेड टू DCV टू एक्चुएटर करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा रीजनरेशन प्रोसेस सेटिस्फाइली ऑपरेट होगा। और ये क्या है, रीजनरेशन इज नथिंग बट द कैन बी यूज टू कॉज ए सिलेंडर टू एक्सटेंड मोर रैपिडली देन इट कुड विथ पंप ऑयल फ्लो अलोन। जब नॉर्मल स्पीड से फ्लो करता है उससे ज़्यादा स्पीड रैपिडली ट्रांसमिट होती है बाई यूज ऑफ रीजनरेशन सर्किट। आइए देखते हैं इसका। तो जैसे कि आपको बताया रीजनरेशन क्या होता है, तो रीजनरेशन में DCV की सेंटर पोजिशन ये इस तरह से शो होती है। इट मीन्स दैट द आपका जो एक्चुएशन ऑफ DCV रहेगा 4/3, उसकी सेंटर पोजीशन में ए से पी तो कनेक्ट रहता है और बी से टी कनेक्ट रहता है दिस साइड, और सेकंड साइड में रहता है ए से टी और पी से बी क्रॉस लाइन में। तो सेंटर पोजीशन में क्या रहेगा, एक तो नॉर्मली क्लोज होती है, नॉर्मली ओपन होता है, ठीक है, ऑल पोर्ट्स क्लोज ओपन। तो इस सिचुएशन में रीजनरेशन में रहेगा आपका टैंक क्लोज रहेगा, ए टू पी टू ए कनेक्ट रहेगा क्योंकि पंप का जो फ्लो है वो एक्चुएटर के फर्स्ट साइड में तो जाएगा पर बी से जो रिटर्न आने वाला फ्लो है वो टैंक में ना जाते हुए डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए रहेगा बाय दिस सिंबल। तो इससे क्या होगा कि जो रिटर्न लाइन में फ्लूड का प्रेशर है वो प्रेशर डायरेक्टली फिर से एक्चुएटर में जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पंप का जो प्रेशर है, पंप का जो इनपुट है वो सेव होगा, साथ में आपका एक्चुएटर हाई स्पीड से मूव करेगा। दैट इज द सेंटर पोजीशन ऑफ DCV इन रीजनरेशन पोजीशन। और यही रीजनरेशन पोजीशन आपको एक्चुएटेड में हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर ड्रॉ करनी है। तो आइए देखते हैं सर्किट डायग्राम। ये सर्किट आपने पहले भी देखा था जिसको हम सिंपल डबल एक्टिंग एक्चुएटर बोलते हैं, ठीक है, और इसमें आपने देखा था कि पी से टी कनेक्ट था और ए एंड बी क्लोज था, दैट इज ए सेंटर पोजीशन। बट नाउ दिस इज ए रीजनरेशन हाइड्रोलिक सर्किट। तो आपका टैंक है, फिल्टर है, पंप है,
पंप से कनेक्टेड प्रेशर रिलीफ वाल्व है, और उसके आगे जाते हैं तो क्या है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। तो ये इसकी सेंटर पोजीशन है, बट इस टाइम पे हमें रीजनरेशन बनाना है। तो रीजनरेशन में क्या करेंगे हम, फर्स्ट पोजीशन वैसे ही रहेगी जो फॉरवर्ड मोशन देगा, लास्ट पोजीशन थर्ड पोजीशन भी वैसे ही रहेगी जो रिटर्न मोशन देगा। पर सेंटर पोजीशन में क्या होगा, पी से पंप से एक्चुएटर की ए साइड कनेक्ट रहेगी, और यहाँ से एक्चुएटर के बी साइड से जो फ्लो रिटर्न आता वो टैंक से कनेक्ट न होते हुए डायरेक्टली एक्चुएटर के थ्रू इस लाइन को मीट करेगा। लाइक दिस पोजीशन कनेक्टेड टू पी ए एंड बी, इट इज जस्ट लाइक ए पी शेप इन रीजनरेशन पोजीशन इन सेंटर पोजीशन ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व, जिससे हमारा रीजनरेशन हाइड्रोलिक सर्किट बनेगा। जिससे क्या होगा, हमारा इनपुट पावर तो सेव होगा और साथ में सेंटर पोजीशन में एक्चुएटर की स्पीड भी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्चुएटर से जो आउटपुट निकल रहा है वो टैंक में जाके वेस्ट हो रहा है, उसका जो प्रेशर है फ्लूड का हाइड्रोलिक प्रेशर है उसको हम रीयूटिलाइज करें, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। तो देखते हैं इसका, ये दैट इज ए ग्रीन कलर लाइन दिख रही है, दैट इज ए आपका सेंटर पोजीशन में एक्चुएट करेगा। अभी जो लाइन आपकी रेड कलर की बन रही है वो क्या है, हमारा फॉरवर्ड मोशन, और इसको हमने डबल एक्टिंग एक्चुएटर के साथ में एक्सप्लेन किया था, दैट इज ए फॉरवर्ड मोशन। देन अगेन दिस लाइन कनेक्टेड टू टैंक, ऑल्सो दिस लाइन कनेक्टेड टू दिस साइड पंप टू एक्चुएटर बी साइड, देन इट इज कनेक्टेड बाय ब्लू कलर लाइन, देन दैट मोशन इज कॉल्ड एज ए रिटर्न मोशन ऑफ दिस रीजनरेशन हाइड्रोलिक सर्किट। काउंटर बैलेंस सर्किट, तो काउंटर बैलेंस सर्किट में ये सर्किट डिजाइन होगा। तो ये सिंपल आपका टैंक है, पंप है, इसके बीच में आप फिल्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद प्रेशर रिलीफ वॉल है, आपके डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल है, यहाँ पे 4x3 डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल है, सोलेनाइड ऑपरेटर, स्प्रिंग रिटर्न, ये इसका फॉरवर्ड मोशन है, ये इसका रिटर्न मोशन है, और ये इसका क्लोज पोजिशन सेंटर है। ठीक है, सेंटर क्लोज पोजीशन में दिया गया, तो ये क्लोज पोजीशन से यहाँ से जाएगा फ्लो और यहाँ से वापस आएगा, और इससे वापस आते हुए ये काउंटर बैलेंस वॉल से कनेक्ट करेगा। मीन्स आपको काउंटर बैलेंस वॉल कहाँ पे बनानी है, इस एक्चुएटर के बाद आउटलेट में। तो इससे क्या होगा ये देखते हैं, सर्किट समझ में आ गया। तो इसका फॉरवर्ड मोशन यहाँ से फ्लो जाएगा, यहाँ से फ्लो जाएगा, तो ये इसमें जाएगा, यहाँ से वापस आते हुए काउंटर बैलेंस वॉल से होते हुए टैंक में रिटर्न जाएगा। दिस इज फॉरवर्ड मोशन, रिटर्न मोशन में यहाँ से फ्लो जाएगा तो काउंटर बैलेंस वॉल से ना जाते हुए ये डायरेक्टली चेक वॉल से जाएगा और यहाँ पे बैलेंस करेगा, फिर रिटर्न आएगा बाय दिस और दिस। तो गौर से देखिए आपने किस तरह से माउस को मूव किया, ये पॉइंटर आपको शो कर रहा है फॉरवर्ड एंड रिटर्न मोशन। तो आइए देखते हैं काउंटर बैलेंस वॉल का फंक्शन। काउंटर बैलेंस वॉल आर कॉमनली यूज टू काउंटर बैलेंस ए वेट। ठीक है, काउंटर बैलेंस वॉल का काउंटर बैलेंस वेट और एक्सटर्नल फोर्स और काउंटर एक्ट ए वेट सच एज प्लेटन और ए प्रेस एंड कीप इट। तो काउंटर बैलेंस वॉल का यूटिलाइज करते हैं हम लोग काउंटर बैलेंसिंग के लिए। काउंटर बैलेंसिंग मींस क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स को भी काउंटर बैलेंस कर सकते हैं और एनी कोई भी चीजों को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, ये पंचिंग टाइप का शेप दिखेगा। अपने पंच देखिए, प्रेस पंच जो आप नॉर्मली फाइल को पंच करने के लिए यूटिलाइज करते हैं वो पंच का भी प्रेस टाइप में वर्क होता है। तो होल्ड करने के लिए जो आपने प्रेस किया तो उसको क्या किया, आपने प्रेशर को दबाया और उसके बाद फिर से उसको रिलीज किया। तो ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जैसे कि आपने बचपन में खेले होंगे गार्डन में काउंटर बैलेंस। ठीक है, काउंटर बैलेंस का वर्ड आपने देखा सीसॉ में। सीसॉ में क्या करते हैं, दो पुल्स रहते हैं, एक साइड में लिफ्ट रहते हैं, तो एक साइड में अगर कोई बैठता है तो सेकंड साइड में वो क्या करता है, ऊपर नीचे करता बैठने के बाद, और अगर सेम वेट है तो दोनों इक्विवेलेंट में स्टॉप होंगे, अगर हायर वेट है तो डाउन साइड जाएगा, इस साइड में फिर से वेट को ऐड करना पड़ेगा। तो यही जो काउंटर बैलेंस का सीसॉ का जो बैलेंसिंग है, ये वेरियस प्रेसेस के अंदर काउंटर बैलेंस वॉल के थ्रू इस हाइड्रोलिक सर्किट से सेटिस्फाई होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए काउंटर बैलेंस वॉल सर्किट। असाइनमेंट नंबर 26 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रीजनरेशन हाइड्रोलिक सर्किट विथ नीड स्केच एंड एक्सप्लेन इट्स रिटर्न मोशन। डिस्क्राइब काउंटर बैलेंस हाइड्रोलिक सर्किट विथ नीड स्केच। फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन।
If any query in this topic, then contact to subject teacher. That's regeneration hydraulic circuit and counterbalance circuit. It is nothing but the simple hydraulic circuit of double acting actuator with the use of 4x3 DCV. In regeneration, there is a positions of center position of regeneration, and in counterbalance valve after actuator in return line before DCV, counterbalance valve is drawn as a symbolical. Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture as construct hydraulic circuit of regeneration and counterbalance circuit. Summary of today's lecture as construct hydraulic circuit of regeneration and counterbalance circuit. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3 map by this lecture. Topic for next session. So next session mein hum aise hi kuch hydraulic circuits layenge jisme various प्रेशर कंट्रोल वॉल का यूटिलाइज किया जाएगा जिससे हमारे एक्चुएटर्स को कंट्रोल किया जाएगा एज अ लाइक ऑफ सीक्वेंस ऑपरेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस ऑपरेशन यूज इन. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. स्टे ऑनलाइन.